नवनिजुक्त ओडिशा प्रदेश कांग्रेस सभापति शरद पट्टनायक जी मयूरभंज जिला ग्रस्त अवसर में बारीपदा ठारे कांग्रेस और नेतृवृंद और कर्मी मानक पक्षर विपुल संबोधना ज्ञापन करैतिला। एही अवसर में बजार इंडिया ठारे आयोजित सांबादिक सम्मेलन में राज्य कांग्रेस सभापति शरद पट्टनायक जोगदेई उभय केन्द्र और राज्य सरकार प्रबल बर्षिथिले। एही अवसर में केन्द्र सरकार प्रतिवर्ष 2 कोटी बेकार युवक युवती नियुक्ति देबे कहि लोकमानक भुआं बुलाउछन्ति। अग्निपथ मरे निजुक्ति देबा एक प्रहसन बोली मत रखिबा सह अग्निपथरे 4 वर्ष निजुक्ति नुहे बरम स्थायी निजुक्ति करंतु बोली मत रखिथिले। एथिसह अग्निपथ को तुरंत प्रत्याहार करिबा पाइं दाबी रखिथिले। एथिसह डीजेल पेट्रोल क्या सह नित्य व्यवहार्य द्रव्यर अहेतुक दरवृद्धि को कड़ा निंदा करिबा सह दरवृद्धि को तुरंत केन्द्र सरकार नियंत्रण करिबा पाइं दाबी रखिथिले। एही अवसर ओडिशारे दीर्घ वर्ष धरी क्षमतारे थिबा बिजेडी नवीन सरकारको पाई आज राज्यवासी तळितळंत होई पडिछन्ति बोली मत रखिथिले। एबे राज्यरे कुशासन अमलातंत्र शासनरे राज्यवासी अणनिश्वासी होई पडिछन्ति। राज्यरे विभिन्न मौलिक सुविधा राज्यवासी पाउनथिबा बेले एबे विभिन्न अंचलरे राज्यवासी विशुद्ध पाणी मध्य पाई पारुनांति। एठारे डाक्तरखाना अछि, स्कूल कलेज अछि, मात्र पर्याप्त संख्यारे ना डाक्तर अछन्ति ना शिक्षक अछन्ति। एपरिकि राज्यरे जे शिल्प गढ़ी उठुला ताहा केवल कांग्रेस सरकार द्वारा ही संभव हो पारुला मत रखा सह राज्य एवं सबुरी दुर्नीति बढ़ी चली बोली प्रदेश सभापति श्री पट्टनायक राज्य सरकार को कटाक्ष करते। आगामी 2024 साधारण निर्वाचन में कांग्रेस राज्य में दलर 9 विधायकरू 90 विधायक निर्वाचित होते और राज्य में कांग्रेस सरकार गठन हो दृढ़ाक्ति मत प्रकाश करते। सांबादिक सम्मेलन में राज्य महिला कांग्रेस सभानेत्री वंदिता परिडा मयूरभंज जिला कांग्रेस सभापति हेमंत दास, कांग्रेस नेता प्रभास्कर महापात्र, अरविंद दास, योगेश अग्रवाल, सुस्मिता घोषाल और शांतन पाल, मोती प्रकाश दास प्रमुख उपस्थित थे। मयूरभंज रो दिनेश कुमार सेठी रिपोर्ट सकाळ खबर।